नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी बिहार में बनने वाली मकर संक्रांति के दिन जो खिचड़ी ट्रेडिशनल तरीके से बनती है उसे कैसे बनाया जाता है और उसे बनाने के लिए हमें किन सामग्रियों की जरूरत होती है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं इसे बनाने। अब हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। ये बड़े चम्मच से 5 चम्मच है अदरक और काली मिर्च का पेस्ट। इसे हम दरदरा पीसते हैं। हमने 2 गिलास अरवा चावल ली जो आधा केजी है। इसे अच्छे से हम धो लेंगे। इस तरह से 2-3 बार हम धो लेंगे पानी बदल कर। इस तरह से हम धोकर चावल को अलग प्लेट में निकाल लेंगे। यह 200 ग्राम उड़द की दाल है, इसे भी हम अच्छे से धो लेंगे। उड़द की दाल को भी हम चावल की तरह 2-3 बार धो लेंगे। हमने एक बर्तन में 8 गिलास पानी डाले हुए जिससे मैंने चावल को नापी थी। जब ये पानी दम खोल जाए तब हम इसमें चावल और दाल को ऐड करेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये अभी हाई फ्लेम पे रहेगा। इसमें हम नॉर्मल नमक का ना इस्तेमाल कर हम इसमें सिल्हा नमक का इस्तेमाल करते हैं। तड़के के लिए हमें 2 तेज पत्ता और घी की ज़रूरत होगी। अब हमारी पानी गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम दाल को ऐड करेंगे। अब हम मसाले को ऐड कर देंगे। थोड़ी देर दाल को अभी 10 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर उसके बाद हम चावल को डालेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये दाल को पकने में चावल से ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा देर हम पहले इसे पका लेते हैं तब इसमें चावल को ऐड करेंगे। अब हम इसमें चावल को ऐड करेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। और अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारी चावल हल्की हल्की पकनी शुरू हो गई है। अब हमारा आधा ये पक चुका है और आधा भी और पकेगा। ऐसे ही बीच बीच में हमें चलाते रहना है। लगभग ये बनकर तैयार ही हो रहा है। कुछ देर बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। हम गैस को ऑफ कर देंगे। तड़के के लिए हम कलछुल में पूरा घी डाल देंगे और इसमें तेज पत्ता, घी जब गर्म हो जाए तो हम तेज पत्ता को डालकर खिचड़ी
मिश्री को में छौंके लगाएंगे। तेल पत्ता लाल हो जाए उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। इसे हम अच्छी तरीके से सब में मिला लेंगे। अब हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। फ्रेंड, ये हमारी ट्रेडिशनल तरीके से बनकर खिचड़ी तैयार हो चुकी है, जो मकर संक्रांति के दिन में बनती है। फ्रेंड, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के ज़रिए लिखें। ये वीडियो आप खुद देखें और दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो या आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर लिखें। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, उसमें इस वीडियो से जुड़े लिंक आपको उसमें मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स फ्रेंड।